नमस्कार, मैं हूँ सुजाता। सुजातास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल और आसान सी जलेबी की रेसिपी, जिसे आप बनाएंगे आसानी से और इसका स्वाद गजब का है। अगर आप एक बार इसे घर में बना लेंगे, खाएंगे और खिलाएंगे, तो आप बाज़ार से जलेबी लाना भूल जाएंगे। इतनी स्वादिष्ट ये जलेबी बन के तैयार होती है। तो चलिए जलेबी बनाना शुरू करते हैं। जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक पैन, जिसमें हम ऐड करेंगे चीनी। मैं यहाँ पे एक बाउल चीनी ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। एक बाउल हमने चीनी ली है, तो हम डेढ़ बाउल पानी ऐड करेंगे। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस ऑन कर लेते हैं और बर्तन को गैस में रख देते हैं। देखिए पानी में उबाल आने लगा है। चम्मच से इसी तरीके से चला लेते हैं। चीनी तले पे लगे ना, इसलिए स्पून से तले पे लगाते हैं, फिर इस तरीके से चला लेना है। पूरी तरह मेल्ट हो चुकी है। अब हम इस चाशनी में ऐड करेंगे फूड कलर। मैं यहाँ पे येलो फूड कलर ले रही हूँ। आपके पास केसर के धागे हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। एक पिंच येलो फूड कलर, या फिर आप केसर के धागे या और येलो कलर के बिना भी इसे बना सकते हैं। मैं सिर्फ इसे येलो कलर आया इसलिए ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर एक पिंच ऐड किया मैंने। आप बिना केसर के धागे और बिना फूड कलर के भी आप बना सकते हैं। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ दो मिनट हमने इसे पका लिया है। तो अब गैस को बंद कर लेते हैं और इस चाशनी को दूसरे बर्तन पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। चाशनी को बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। चाशनी को कवर कर लेते हैं। चाशनी के बर्तन को अभी साइड रखते हैं। अब हम लेते हैं एक बाउल, और यहाँ पे मैंने आधा बाउल मैदा लिया है। आप इसकी जगह गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ बेकिंग सोडा, आप इसकी जगह इनो का भी यूज़ कर सकते हैं। ये आधा चम्मच से थोड़ा ही कम मैंने बेकिंग सोडा लिया है इसमें खमीर उठाने के लिए। अब ऐड कर लेते हैं ऑयल या फिर घी। आधा चम्मच मैंने यहाँ पे ऑयल का यूज़ किया है, आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा मिला लेते हैं। अब ऐड करते हैं पानी। थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड करना है, एक बारी में ज़्यादा पानी ना डालें। है अगर आपके पास इस तरीके का स्पून है तो आप उससे फीटिए, जल्दी हो जाता है। जलेबी के लिए बैटर हमारा तैयार है। ये देखिए, ना ही हमें बहुत ज़्यादा मोटा चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। इस तरीके से इसमें आधा गिलास पानी का यूज हुआ है, डालें उसके अनुसार। एक बारी में पानी ना डालें, धीरे धीरे करके पानी डालें और स्पून से चलाते रहें। तो अभी हमारा बैटर हो चुका है तैयार। आप लेते हैं एक गिलास, और मैं यहाँ पे दूध की थैली ले रही हूँ। आपके पास प्लास्टिक की कोई भी प्लेन बननी है तो आप उसमें बना सकते हैं। हम बैटर को इस गिलास में ऐड कर लेंगे। एक बार में इतना ही बैटर है, और ऊपर से हम रबड़ बैंड से इसे बंद कर लेंगे। हमारा बैटर बाहर ना आए। बैटर बाहर ना आए इसलिए हम इसे रबड़ से बंद कर लेंगे। ये देखिए, अब हम इसे कट करेंगे कैची की सहायता से। जितनी मोटी या पतली
जलेबी हमें बनानी है उसके अनुसार ही हम कट करेंगे। गैस में हमने तेल रख दिया है, रिफाइंड तेल या फिर आप घी का यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा तेल या घी नहीं डालना है, थोड़ा ही रखना है। मैंने कढ़ाई रखी है, आप कोई गहरा पैन भी यूज़ कर सकते हैं तलने के लिए। ऑयल गर्म है तो जलेबी बनाना हम शुरू करते हैं। जब जलेबी का कलर चेंज हो जाए तो उसे हमने पलट लेना है। अभी हमारी जलेबी हो चुकी है कुरकुरी सी, तो अभी इसे निकालते हैं हम। गरम गरम जलेबी को चाशनी में डाल देना है। और इसे फिर हमने पलट लेना है। देखिए जलेबी का कलर चेंज होने लगा है, तो अब हम इसे पलट लेते हैं। जब गोल्डन कलर आ जाए तो जलेबी को पलट लेना है। अब जलेबी को निकाल लेते हैं। देखिए कितनी सुंदर जलेबी बनी है। आपको पतली या मोटी जैसी चाहिए आप वैसा सेब जलेबी को दे सकते हैं। तो चलिए इसे भी हम चाशनी में ऐड कर लेते हैं। अब इस जलेबी को हम चाशनी से निकाल लेते हैं और प्लेट में रख देते हैं। और जो अभी हमने कढ़ाई से जलेबी निकाली है उसे हम चाशनी में ऐड कर लेते हैं। ये देखिए, जब भी आप चाशनी को ऐड करें तो गहरे बर्तन में ऐड करें ताकि जलेबी अच्छे से डूब जाए और जो इसका मीठा है अपन है चाशनी है वो जलेबी में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। इसी तरीके से हम सारी जलेबियों को बना लेते हैं। आधे बाउल मैदे से हमारी इतनी जलेबियाँ बनकर तैयार हुई हैं। देखिए बहुत ही अच्छी जलेबी बनी है और खाने में तो गजब का स्वाद है। आप बाज़ार से लाना भूल जाएंगे अगर आप घर में इस तरीके से बना के खाएंगे और सभी को खिलाएंगे तो। नहीं, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए ये देखिए पूरी अंदर तक इसमें चाशनी भरी हुई है, रस भरी हुई है, जलेबी बनी हुई है। चाहे आप पतला टुकड़ा लो या फिर मोटा टुकड़ा लो, दोनों ही जलेबियाँ इस तरीके से बनी हुई हैं। खाने में तो आपको गजब का ही स्वाद आने वाला है। ये देखिए पूरी अंदर तक चाशनी भरी हुई है। आप जलेबी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को ट्राई कीजिए, शेयर भी कीजिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत सिंपल और आसान जलेबी की रेसिपी शेयर की है मैंने आज आपके साथ। अगर आपको पसंद आई तो आप भी रेसिपी को आगे बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ आपसे न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय।